हेलो भाइयों, आज हमारे पास है मिनी ब्लूटूथ स्पीकर आया है, वायरलेस स्पीकर आया है। ये चार्ज होता है लेकिन ऑन नहीं होता है, तो इसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बताता हूँ। कनेक्ट किया, यहाँ पे एक रेड लाइट जल गई है, लेकिन इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं होता है। तो इसको किस प्रकार हम रिपेयर करेंगे इस वीडियो में आपको बताता हूँ। इसको जैसे कि मैंने खोल दिया है, प्लेट खोल के रखी है ताकि टाइम बचे। इस प्लेट में ध्यान से देखेंगे तो कस्टमर जैसे कि ज़्यादा समय तक चलाता रहता है या कोई ना कोई पीसीबी प्लेट के हिसाब से भी दिक्कत आ जाती है, तो वायरिंग जो होती है वो जल जाती है। ध्यान से देख रहे हैं तो ये वायरिंग जल गई है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो वायरिंग है पूरी जल चुकी है। तो इसको रिपेयर करने के लिए हम जो जो चीज़ जली हुई है उससे आगे कट लगाकर उसको जम्परिंग करेंगे तो उससे ये ऑन हो जाना चाहिए। और उससे पहले चिमटी की भी मदद से अपन देख सकते हैं कि अपना वो काम वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें देख लीजिए कि पावर की ये रहा एम माइनस प्लस, और ये आगे पीछे करने के लिए, तो पावर बटन ये रहा, इसको मैं दबा के और चिमटी से उसको अर्थिंग करके देखते हैं कि क्या ऑन होता है कि नहीं होता है। तो ये मैंने दबा दिया, ओके। और यहाँ पे चिमटी ली जहाँ से वायरिंग चली हुई है, तो ये चिमटी लगाने से ऑन हो रहा है। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक का एक अपन को जम्पर लगाना है। जम्पर लगाते वक्त बैटरी का जो सप्लाई है उसको अलग कर देना, यदि वो नहीं करेंगे तो वायरिंग और कहीं ना कहीं से ये और जल सकता है। तो इसको जम्पर लगाते हैं, जैसे कि पास से इसमें जो पेंट आता है ईजी आता है, अपन इसको हल्का सा घसेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे कि फ़ोन में मदरबोर्ड में जो प्रिंट आते हैं वो बहुत बारीक होते हैं, उन पर जम्पर लगना भी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। और इसमें सब वायर वगैरह सब थिकनेस में बड़े होते हैं तो जम्पर लगाना ईजी हो जाता है। एक वायर लिया, जितना ये एरिया कटा है उस हिसाब से वायर लिया और दोनों तरफ जम्पर लगा देते। फर्स्ट रखा इधर, सेकंड इसी को वापस इधर घुमाया, एक्यूरेट से रखा और सोल्डरिंग कर दी। तो ये एक जम्पर यहां से लगा कर यहां तक का हमने लगा दिया है और इसको पास में लेटा दिया है ताकि ये टूटे ना, ओके। यहाँ तक कनेक्ट किया, पावर बटन गिरा, लाइट जल के बदले इसका मतलब ये हो गया, कनेक्ट हो गया। इसको वापस निकाल दिया तो ज़्यादा समस्या इनमें आती नहीं है, यही होता है वायरिंग वगैरह जल जाती है। तो उसको इस प्रकार हम रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।